सो डियर स्टूडेंट एक और नया टॉपिक आज पढ़ते हैं टूडो फोर्स सूडो का मतलब क्या होता है विच इज नॉट रियल जो एक्चुअल में अगर बात करें तो नहीं है अवेलेबल ही नहीं है बट इसको फील किया जा सकता है फील क्यों किया जाता है उसके पीछे का रीजन समझिए आप सबको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता है बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन लेकिन बॉडी को अगर मूव कराना हो तो वो ज्यादा अपोज करती है लाइटर बॉडी कम अपोज करती है तो इनर्शिया से रिलेटेड यहां पर प्रॉपर्टी बन रही है इनर्शिया देखिये क्या होता है मास इज अजर ऑफ इनर्शिया मास ही इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है और इनर्शिया क्या है एक तरीके से टेंडेंसी है किस तरीके से टेंडेंसी है टेंडेंसी है जो अपोज करती है किसी भी स्टेट में बदलाव लाना अगर है तो उसको जैसे कोई हेवी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में रखा है और उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो यस हेवी बॉडी ज्यादा अपोज करेगी टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन और अगर लाइटर बॉडी है उस पर आप फोर्स अप्लाई कर देते हो तो यस ये भी अपोज करती है लेकिन इसका अपोजिशन कम होता है तो इसका मायना इसका मतलब यह हो चुका है कि जितनी ज़्यादा हेवी बॉडी है वो उतना अपोज करेगी टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन मान के चलिए कोई बॉडी अभी मोशन में है हेवी मोशन है बहुत ज़्यादा मोशन है तो मोशन अगर है एंड दैट बॉडी इज़ अप्रोचिंग टू यू एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप दैट बॉडी तो ऑब्वियसली दैट बॉडी विल अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन तो मोशन की स्टेट है एंड फ्रॉम मोशन टू रेस्ट में लाना है तो वो अपोज करने वाली है अभी इसमें भी वापस से दो ही चीज़ें आ रही है अगर बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा हेवी बॉडी है तो हेवी बॉडी है ज़्यादा अपोज करेगी लाइटर बॉडी है कम अपोज करेगी दैट इज इनर्शिया तो इनर्शिया की वजह से कुछ चीज़ें हो रही है तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है लेकिन इसको मैथमेटिक्स में लाना बहुत ज़रूरी था तो देखिए बच्चों सूडो फोर्स को समझना है तो सूडो फोर्स समवेयर रिलेटेड टू इनर्शिया इनर्शिया से ही रिलेट करता है तो देखिए इसको मैथमेटिक्स में लाना है तो यहां देखिए क्या होगा पहले सबसे पहले तो हम लोग सूडो फोर्स को पढ़ने के लिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल इन दो फ्रेम को सही ढंग से समझ लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है यह एक टेक्निकल टर्म है जैसे कोई आप पेपर पर एक सम सॉल्व कर रहे हो तो यू आर ऑब्जर्विंग दैट सम फ्रॉम योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप खुद देख रहे हो आप जब कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप मान लीजिए कोई कर रहे हो तो दैट पेपर इज right. एट पे खड़े हैं और कोई व्हीकल को हम लोग जाते हुए देख रहे हैं। yes, अभी हमारे पास दो चॉइसेस है दो विकल्प है या तो हम रेस्ट में है पूरी तरीके से मतलब हमारा जो वेलोसिटी है, है और वी आर मूविंग विथ सर्टन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम आर रेफरेंस हम अलग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और मैथमेटिकली बात करें तो हर एक चीज के एक्सवाइजेडिनेट बदल रहे है, तो एक्स वाइजेडिनेट बदल रहे लेकिन डे टू डे लाइफ में हम सिर्फ उसको मोशन में देख रहे राइट right? तो वो जो हम देख रहे हैं फ्रॉम आर फ्रेम दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस

या तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो या जीरो वेलोसिटी हो लेकिन इन दोनों का मैं समराइज कर देता हूं बच्चों इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें जैसे अभी यहां पर देखिए देखिए रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर या फिर एट रेस्ट और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉन एक्सीलरेटिंग क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है इन दोनों ही चीजों में बच्चों एक्सेलरेशन हो जाता है आपका जीरो तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी हंड्रेड परसेंट करेक्ट वाला हंड्रेड परसेंट मतलब करेक्टेड जो हम लोग को को ध्यान में रखना इससे आगे ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें से कई सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है और ये फ्रेम जो है दैट हैज एक्सेलरेशन इक्वल टू तो जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो के दो मायने होते हैं या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मूव वेलोसिटी ऐसी क्या होता है जैसे मैं कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं ये मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉक्स है बॉक्स है और इसके अंदर एक पेंड्यूलम अटैच्ड है तो इस पेंड्यूलम को जब मैं देख रहा हूं तो so यस yes, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये X, y और Z, ये ये मेरा frame of reference है और मैं इस पेंडुलम को देख रहा हूं मान लीजिए ये 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 जो है, ये जो box है है और से जा रहा है इसी का मतलब हो रहा है इसका एक्सेलेशन बच्चों कितना बन रहा है जीरो बन रहा है तो मुझे यह पेंडुलम ऐसे ही दिखने वाला है या तो यह रेस्ट में था तब भी पेंडुलम मुझे वर्टिकल दिखेगा या तो मोशन में तब भी मुझे पेंडुलम वर्टिकल ही दिखेगा मैं इसके अंदर खड़ा हूं राइट right. तो यहां पर देखिए इसका टेंशन और इसका जो वेट है बच्चों ये वेट तो मैं बोलूंगा टेंशन और वेट जो है ये बैलेंस हो गया सो टी इज इक्वल टू आ गया बच्चों यहां पर एम जी ये सही बात हो रही है ठीक है ये यह यहां पर आ गया लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल है जिसमें ये जो ट्रेन है ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग तो जैसे ही ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है तो यहां पर देखिए बच्चों मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डाल दिए इसको समझ लो दिस इज इनर्शियल ऑब्जर्वर अगर ये देख रही है एक्स वाई और जेड इसको मैं डाल देता हूं तो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस राइट नाउ

ये ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है तो एक फ्रेम को जोड़ दिया हमने ट्रेन के साथ में ट्रेन के साथ जोड़ दिया मतलब ट्रेन में बैठे हुए हर एक बंदे के साथ में जोड़ दिया तो कोई इंसान है जैसे यहां पर है यह अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो यस ये फ्रेम इस पर भी अप्लाई होती है तो यह व्यक्ति जब ऑब्जर्वेशन करेगा तो इस व्यक्ति के लिए इस व्यक्ति का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है तो इसके दो ही मतलब हो रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें फ्रेम रेस्ट में है या मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है या या सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करो तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या होने वाली है एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही मायने में बताया जाए तो उस ऑब्जर्वर के बारे में बता रहे हैं जो सारी चीजें को ऑब्जर्व कर रहा है तो दो तरीके के ऑब्जर्वर हो चुके हैं एक ऑब्जर्वर या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है या फिर वेलोसिटी जीरो है और सही मायने में देखा जाए तो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही हो रहा है उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है जीरो बन रहा है और दूसरा हम उस ऑब्जर्वर के बारे में बात कर रहे हैं जो खुद एक्सेलरेट हो रहा है और फिनोमिन जो है उसके सराउंडिंग की ऑब्जर्व कर रहा है ठीक है तो ऑब्जर्वेशन के दो तरीके होते हैं तो उसी को टेक्निकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया दिया गया है या फिर उन दोनों ऑब्जर्वर के बारे में बात कर रहे हैं जो सराउंडिंग में होने वाली चीजों को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन एक एक्सेलरेशन जीरो के साथ है और दूसरा एक्सेलरेशन के साथ में है तो विथ जीरो एक्सेलरेशन इनर्शियल और विदाउट जीरो एक्सेलरेशन क्या बताया जाएगा नॉन-इनर्शियल फ्रेम राइट तो यहां पर एक एग्जाम्पल है देखिए <coughs> यहां पर एक पेंड्यूलम और पेंड्यूलम जो है हमें पता है देखिए क्या होता है हम लोग बाहर से देखे तो इसको दोनों ऑब्जर्वर के तरीके से बात करते हैं दोनों ऑब्जर्वर के तरीके से बात करते हैं यहां पर एक व्यक्ति है जो कि रेस्ट में मान लीजिए या फिर इसका जो है इनर्शियल फ्रेम है इसका इनर्शियल फ्रेम है और जो फ्रेम मैं अटैच कर देता हूं इस कार्ट के साथ में यह एक्सलरेट हो रही है तो यह क्या हो गई है नॉन इनर्शियल यह क्या हो गई है नॉन इनर्शियल राइट यस तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ये दो हो गई है ठीक है अभी पढ़ता हैगा राइट तो जब इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम से बात की जाए तो पेंडुलम ऐसे क्यों दिख रहा है तो पेंडुलम के बारे में इस व्यक्ति का आंसर क्या होगा देख लो अच्छा ये पेंडुलम पीछे क्यों आता है तो ये डेट टू लाइफ वाला एक्सपीरियंस होता है बच्चों जैसे आप कभी अगर बस से ट्रैवल किए होगे सिटी बस होगी राइट सिटी बस होगी और सिटी बस में जगह नहीं है और आप उस बस में चढ़ गए और बस में अभी खड़े हो राइट right? तो बस ड्राइवर ने ऑल ऑफ सडन ऑल ऑफ सडन बस को स्टार्ट कर दिया एंड ही हैज एक्सेलरेटेड तो हमारा जो बॉडी था दैट वाज ट्राइंग टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट जो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारी बॉडी का मास जो है और हमारी बॉडी जो है बिकॉज ऑफ मास ट्राइंग टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑल ऑफ सडन उसने बस को एक्सेलरेट कर दिया तो वी फील अ बैकवर्ड जर्क तो जो बैकवर्ड जर्क मुझे मिल रहा है आई फील दैट हैज पुल्ड मी इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन राइट वो होता है सूडो फोर्स आई हैव दैट समवन हैज पुल्ड मी इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन वो होता है सूडो फोर्स ठीक है तो अभी इसको इसको सही ढंग से अभी यहां पर समझते हैं क्या होता है जब यह इंसान देख रहा है यह इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दिख तो रहा है पेंडुलम ऐसे हुआ है तो इसको क्या दिखेगा इसको यह चीज दिखने वाली है कि जो रोप है जो स्ट्रिंग दिख रही है इसके अंदर टेंशन दिखेगा टी इट हैज मेड एन एंगल थीटा सीली तो ये जो इनर्शियल है ये जो इनर्शियल है इनर्शियल को ए मान के चलते हैं ए ऑब्जर्व कर रहा है तो ये इनर्शियल में जो ए ऑब्जर्व कर रहा है और इसके अंदर एक बंदा रख देते हैं इसी ए को रख देते हैं इसको रख देते हैं बी को तो बी खुद का आंसर अलग से तैयार करने वाला है तो ए का आंसर क्या होने वाला है ये बोलेगा कि ये स्ट्रिंग में टेंशन है ठीक है इस टेंशन को मैं रिजोल्व कर देता हूं दो कॉम्पोनेंट्स में तो अगर ये थीटा है तो बच्चों ये थीटा है यह आ गया टी कॉस थीटा और यह आ गया टी साइन थीटा और ये जो बॉडी है जो मैंने पेंडुलम दिखाया है इसका मास अगर एम है तो इसका जो वेट होगा वो डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन में होगा तो फाइनली अगर बात करें इस पेंडुलम पर तो इस पेंडुलम पर ये बच्चों देख लो टी कॉस थीटा काम कर रहा है इसके अनुसार और ये काम कर रहा है टी साइन थीटा और ये जो वेट है ये एम जी नीचे के डायरेक्शन में है अच्छा ये सब हो रहा है और ये जो पेंड्यूलम है ये बॉब जो है ये राइट में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए तो बच्चों इसका इक्वेशन कैसे तैयार करेगा तो ए जो बात करेगा ए के अनुसार इक्वेशन जो हो गए कुछ इस तरीके से हो गए यह बोलेगा वेट को टी कॉस थीटा ने बैलेंस कर दिया मतलब टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी यह इक्वेशन बच्चों हो गया वन और ये बोलेगा कि टी साइन थीटा जो है उस टी साइन थीटा की वजह से ये ब्लॉक जो है एक्सेलरेट हो रहा है आगे की ओर तो ये बोलेगा रहा है आगे तो आ गया यहां पर इक्वेशन नंबर टू तो टू डिवाइडेड बाय अगर वन कर दू मैं टू डिवाइडेड बाय कर दू मैं तो मेरे पास आ जाएगा देखो टू में आता था साइन थीटा टा क्योंकि टेंशन, टेंशन तो बच्चो ए इक्वल टू आ गया यहां पर जी आ जाएगा, और साइन आ जाएगा हो रहा है? तो ये ए ने, ने, ने दिया है जो कि इनर्शियल है चलिए बात करते हैं बी के बारे में तो बी क्या सोच रहा है बी ने भी फिजिक्स पढ़ लिया है बी ने भी फिजिक्स पढ़ लिया है और सही तरीके से फिजिक्स पढ़ लिया है तो बी जो है बी क्या करेगा बी क्या सोचेगा तो देखिए क्या होता है बी को जब दिख रहा है तो बी को जब दिख रहा है कि ये पीछे जा रहा है या कुछ हो रहा है क्योंकि बी भी उसमें खड़ा है he is also feeling, और सूडो फोर्स सूडो फोर्स क्यों देखिए इसकी बॉडी का भी इनर्जी है क्योंकि पूरा के पूरा कार्ट एक्सलरेट हो रहा, रहा, रहा है राइट में और ये पीछे जा रहा है तो इसका सवाल का जवाब क्या होगा इसके कंपैरिजन में अगर इसके बारे में इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये बोलेगा ये पीछे जा रहा है पीछे जा रहा है तो ये पीछे क्यों जा रहा है तो पीछे गया तो एक्सेलरेशन ऐसे गया लेकिन एक मोमेंट के बाद होगा क्या बच्चों जैसे ये एक्सेलरेट हो रहा है अभी देखिए क्या होगा इसको दिखेगा कि इस पेंडुलम ने एक पर्टिकुलर एंगल तैयार करके रखा है अभी इसके हिसाब से देखे मान लीजिए इस रूम में अगर बात करें तो यहां पर बच्चों देख लीजिए तो ये पेंडुलम समझ के चलो और मैं उस बॉक्स के अंदर हूं और मुझे ऑल ऑफ सडन दिख रहा है कि ये ऐसे दिख रहा है ये ऐसे ही दिख रहा है और ऐसे ही है अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है वो ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट हो रही है क्या हो रहा है तो ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है तो मुझे अभी फिजिक्स के अनुसार इस पर इक्वेशन तैयार करना है तो मैं खुद जो उसके अंदर ऑब्जर्वर हूं तो यहां पर देखिए बी क्या बनाएगा तो बी इस तरीके से बनाएगा बी बोलेगा कि चलो ठीक है ये टेंशन था इस टेंशन के दो कॉम्पोनेंट आपने तैयार कर दिए ये कौन सा था बच्चों ये था टी थीटा और ये था टी थीटा। तो टेंशन के बन गए ये दो कॉम्पोनेंट तो बन, बन चुके हैं चलिए ठीक है तो ये दो कंपोनेंट ऑलरेडी बन चुके हैं तो मैं यहां पर ऐसे लग दूंगा टी थीटा और टी थीटा इसको इरेज करा देता हूं ठीक तो, है और इसका जो वेट होगा वो वेट नीचे के डायरेक्शन में होगा एम जी अभी अगला सवाल आ रहा है कि मेरे लिए ये सवाल आ रहा है कि ये रेस्ट में क्यों है क्योंकि ये रेस्ट में है तो देखिए टी साइन थीटा तो इसको इधर खींचना चाहिए था लेकिन फिर भी ये रेस्ट है तो कोई ना कोई टी थीटा को कैंसिल कर रहा है तो मैं न्यूटन के लॉ वैलिड कराने के लिए मैं डाल देता हूं इस पर पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स और ये सूडो फोर्स जो कितना है इसका जो मास था एम इन टू तो इस तरीके से मैंने सूडो डाल दिया क्योंकि मुझे ये दिख रहा है इस तरीके से और ऐसे ही दिख रहा है लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि टी का कॉम्पोनेट थीटा इसको इधर खींचना चाहिए लेकिन वो आ नहीं रहा है और रेस्ट में है तो रेस्ट में है मतलब क्या होगा इस पर नेट फोर्स कितना बनना चाहिए जीरो क्योंकि हर समय मुझे ये पेंडुलम अगर ऐसा दिख रहा है तो इस पर का नेट फोर्स कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो नेट फोर्स जीरो बनाने के चक्कर में देख लीजिए मैंने यहाँ पर एम डाल दिया ये सूडो डाल दिया मतलब बॉडी के ऊपर बैक साइड में जनरेट कर दिया फोर्स तो मैं बोलूँगा टी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम सूडो फोर्स और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया एम तो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी तो बच्चों वापस से आ गया ए इक्वल टू जी टेन तो कोई गलत तो नहीं है सही बन रहा है दोनों इक्वेशन आपके सेम है इसी का मतलब चॉइस आपके साथ है सामने है तो इक्वेशन कोई अलग अलग तैयार नहीं हुआ इक्वेशन दोनों में सेम ही तैयार हुए अभी आपका अप्रोच क्या है उस पर डिपेंड है आर यू इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपको सूडो को काम करना पड़ेगा छू पर काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बैठकर आपको दिख रहा है पेंडुलम वैसे ही पोजीशन में तो इस पर जो टी साइन थीटा काम कर रहा है उसको कोई ना कोई कैंसिल भी करना चाहिए और ये टेंशन का जो थीटा था उसको तो MG ने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है तो इस तरीके से ये दो डायग्राम है ये बाहर से देख रहा हो तो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखेगा और मुझे पता है कि ये आगे जा रही है लेकिन बॉक्स के अंदर जब मैं खड़ा हूं तो मुझे ये आगे जाते हुए नहीं दिखेगी मुझे ये बस ऐसे ही पोजीशन में दिखने वाली है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो गया चलिए अगला एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं यहां पर ऑल आर स्मूथ स्मूथ है और इसी इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक डाल दिया हमें पता है अगर ब्लॉक रख दिया जाए तो ब्लॉक का जो कंपोनेंट होगा वेट का जो कंपोनेंट होगा एमजी थीटा ये इसको नीचे खींचने वाला है और ये नीचे ऐसे आने वाला है ठीक है तो सीधी बात हो ये होगी ये ब्लॉक को स्लाइड होना चाहिए अभी इसमें फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है इसलिए स्मूथ दे दिया बच्चों इसको दो ऑब्जर्वर ले लेते हैं दो ऑब्जर्वर ले लेते हैं, ये एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं यहां पर इसको बैठा देते हैं ठीक है इसको बी बोल देते हैं और एक दूसरा ऑब्जर्वर ले लेते हैं ये ए ऑब्जर्वर ले लेते हैं, ए ऑब्जर्वर कौन है तो इनर्शियल है और मैंने हालांकि ब्लॉक पर फोर्स डाल दिया था एफ तो ये जो होगा बच्चों ये होगा नॉन इनर्शियल तो इस ब्लॉक को पहले इनर्शियल वाला सॉल्व करा देते हैं तो इनर्शियल वाला देखेगा कि ये ब्लॉक दिख रहा है मुझे इस पर बच्चों जो था नॉर्मल इस तरीके से है क्योंकि देखिए ना ये नॉर्मल होगा नॉर्मल और आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये इजीली प्रूव कर सकते हो अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकल एंगल थीटा आता है आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से प्रूव कर सकते हो कि जो वर्टिकल एंगल है वो थीटा हो सकता है तो देखिए क्या होगा ये जो नॉर्मल है इसने यहां पर एंगल थीटा तैयार कर लिया तो नॉर्मल के दो थीटा और इसका जो वेट है जो एम जी और नॉर्मल का दूसरा कॉम्पोनट क्या आ गया थीटा और ये जो सिस्टम है 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 ये एक्सेलरेट एक्सेलरेट हो हो रही है हो रही राइट राइट में में बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अच्छा एक्सेरेशन कितना है दोनों साथ में जा रहे हैं तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो बिकॉज इसमें देखिए ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो फोर्स तो एफ बन रहा था टोटल और ये दोनों के दोनों साथ जा रहे हैं एज इफ अ सिंगल सिस्टम तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से हो सकता था फोर्स डिवाइडेड बाय बोथ आर मूविंग बोथ आर मूविंग दोनों के दोनों साथ में मूव हो रहे हैं तो टोटल मास अगर बात करें तो एम प्लस एम आ जाएगा यह एक्सेलरेशन आपको मिल सकता है ठीक है ये एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला क्लियर हो रहा है बच्चों ये एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला अभी यहां पर मैं बात करूं तो ये जो ब्लॉक है

टू डिवाइडेड बाय वन कर दो तो आपके पास बच्चों आ जाएगा theta is equal to A की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अच्छा जो मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात किया है अभी नॉन इनर्शियल वाला क्या चीज सोचेगा और दूसरी चीज अगर क्वेश्चन फोर्स पे आ जाता है कितना फोर्स देना चाहिए ताकि ये बॉडी ऐसी रेस्ट पर रहे तो क्या करना पड़ेगा देख लो तो ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा था जो मैंने दिखाया है इसी को मैं ऐसे ले लेता हूं तो इससे मुझे पता चलेगा एफ इज इक्वल पर क्या लिखना है बच्चों थीटा राइट ये बन रहा है यहां पर एम प्लस एम इंटू जी टेन थीटा राइट तो एक्सेलरेशन आपके सामने आ गई है एक्सेलरेशन आप एफ बाई एम प्लस एम ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सारी चीजें इनर्शियल फ्रेम ऑफ बंदा बैठा है उसने अभी सही आंसर देने वाला है तो देखिए जब बी देख रहा है तो बी को जो दिख रहा है बी को ब्लॉक ऐसे दिख रहा है राइट तो बी क्या सोचेगा जो नॉर्मल बन रहा था इस नॉर्मल का एक कॉम्पोन बच्चों वापस है वही एन कॉस्थीटा और ये जो बन रहा है एनसाइन थीटा इस बॉडी का जो वेट था वो एम जी बीचे था तो अभी इसके बारे में सोचे तो ये देखिए बी ऑब्जर्वर जो है वो सोचेगा कि यस इस पर यह देखिएगा लेकिन ब्लॉक इसको रेस्ट में दिख रहा है तो ये एन साइन थीटा को कैंसिल कौन कर रहा है तो ये बोलेगा इस पर एक सूडो फोर्स जनरेट हो गया सूडो फोर्स जनरेट हो गया कितना तो एम इन टू ए राइट तो अभी इक्वेशन क्या तैयार हो गया एन कॉस्टिटा बैलेंसिंग एम जी और जो एन साइन थीटा है एन साइन थीटा की वजह से ब्लॉक आगे जाने चाहिए लेकिन ये जब इस पर रेस्ट पे दिख रहा है तो इसको तो ब्लॉक वहीं पे दिख रहा है इसको ब्लॉक वहीं पर दिख रहा है इसको ब्लॉक वहीं पर दिख रहा है राइट तो इसको जब ब्लॉक वहीं पर दिख रहा है इसका मतलब ये हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि एन साइन थीटा के कोई ना कोई कैंसिल करा रहा है और उसको रेस्ट में रख रहा है तो उसको रेस्ट में रखने के लिए एम ए सोडो काम कर रहा है तो बच्चों वापस से आप वही चीज करा के देख लो डिवीजन करा के देख लो तो ए इक्वल टू आ जाएगा जी टेन ना इसमें मिल रहा है ए इक्वल टू जी टेन थेटा सही बन रहा है ठीक है इस पर और एक चीज मैं थोड़ा क्लियर करा देता हूं आपको इसमें देखिए ये एक एग्जांपल है सारे के सारे है, स्मूथ है और सूडो फोर्स को किस तरीके से आप मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो वो भी समझ लो यहां पर कि किस तरीके से सूडो फोर्स काम करता है ये एक प्लैंक है नीचे का भी सरफेस जो मैंने दिखाया है बच्चों ये भी स्मूथ है और यहां पर यह भी स्मूथ दिखा रहा हूं जैसे है कोई फोर्स एक अप्लाई करता है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद देखिए ये ऑब्जर्वर जो है इसको मैं ए मान के चलता हूं यही सिस्टम के साथ में हालांकि अभी तक हम लोगों ने नॉन इनर्शियल को बी बोला था तो मैं इसको बी बोल देता हूँ फिलहाल कोई तो दिक्कत नहीं आप खुद उस पर बैठे हो और देख रहे हो इसको मजबूती से इसने पकड़ के रख दिया है एंड हैज अप्लाइड अ फोर्स फोर्स लार्ज लेकिन क्योंकि ऊपर का जो ब्लॉक है दैट ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस तो उसके पास कोई रीजन नहीं है उसके साथ जाने का उसके पास कोई रीजन नहीं है उसके साथ जाने का अगर इसके बीच में फ्रिक्शन होता तो वो साथ में भी जाता लेकिन स्मूथ है तो होगा क्या जैसे ही यह प्लेटफॉर्म आगे आगे जाता है जैसे ही यह प्लेटफॉर्म आगे आगे जाता है इस व्यक्ति को दिखेगा वो ब्लॉक वहीं पर रहेगा ब्लॉक का जो टेंडेंसी है वो ब्लॉक का टेंडेंसी वहीं पर रहने का होगा थोड़ी देर बाद शायद आपको यह दिख जाए कि ये सिस्टम आगे चल गई है ना ये व्यक्ति भी आगे चला गया है और ब्लॉक जो है बच्चों लेकिन ये ब्लॉक वहीं पर रहा अभी नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट स्टेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये और वापस से आगे चला जाएगा ये और आगे चला जाएगा और ब्लॉक है वहीं पे गिर जाएगा इसका मतलब ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्मूथ सर्फेस नीचे का प्लेटफॉर्म आगे आगे जा रहा है एंड द ब्लॉक स्मॉल है वो वहीं पर है वह कहीं और नहीं जा रहा है क्लियर हो रहा है उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो वो वहीं पर है तो अभी देखिए क्या होगा ऑब्जर्वर बी जब किसी चीज को देख रहा है तो ऑब्जर्वर बी के हिसाब से ये ब्लॉक जो है ये पीछे पीछे जा रहा है मान लीजिए ना आप ऑब्जर्वर बी हो आपको ऑल ऑफ सडन क्या दिख रहा है ये ब्लॉक पीछे पीछे जा रहा है तो नेचुरल सवाल अगर पूछे बात करें तो ये सवाल इससे अगर पूछा जाए तो ये क्या हो रहा है तो ऑब्वियस है ये बोलेगा ये ब्लॉक पीछे जा रहा है मतलब सम एक्सेशन इज देयर इज सम्लाइंग ए फोर्स देखिए ये ब्लॉक क्यों वहीं पर रुका था वहीं से वापस से लेक्चर का स्टार्टिंग जो मैंने बोला आपको बिकॉज ऑफ इनर्शिया बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने का कोशिश कर रहा है बॉडी बॉडी वहीं पर पर है है खुद की स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, वो चेंज नहीं कर रही यहां पर. और स्मूथ सरफेस होने की वजह से इस पर कोई फोर्स भी काम नहीं कर रहा है लेकिन बी को तो दिख रहा है ना बी को तो दिख रहा है ब्लॉक बी ब्लॉक जो है स्मॉल एम जो है वो पीछे पीछे पीछे, पीछे जा रहा है यस yes. तो अगर इससे सवाल पूछा जाए तो ये इसका आंसर देगा इस पर फोर्स M A इतना काम कर रहा है और किस डायरेक्शन में काम कर रहा है पीछे की डायरेक्शन में काम कर रहा है क्योंकि बी को दिख रहा है ये आगे आगे जा रहा है तो बी तो खुद को बी तो खुद सिस्टम के साथ है ना बी तो खुद सिस्टम के साथ में है तो बी को ना मान लीजिए बी पूरे तरीके से पैक करा दिया और ऑल ऑफ सडन आप एक रूम में खड़ी हो खड़े हो और आप रूम में खड़े होने के पास वो मान लीजिए कोई एक बॉक्स है एंड सीन आपने पकड़ के रख दिया हर से. Sudden, जा रही है. है ना होती है ना लिफ्ट हैरी पॉटर वाली लिफ्ट बोल रहा हूं मैं हैरी पॉटर वाली लिफ्ट इधर चली गई तो ब्लॉक कहाँ जाएगा पीछे खिसक जाएगा तो पीछे खिसकना जो चीज है यस आप बोल सकते वहां पर इस पर काम कर रहा है सूडो फोर्स क्या काम कर रहा है सूडो फोर्स चलिए बच्चों आई होप आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आ चुकी है आई होप आपको इस तरीके से हो गए दोनों अप्रोच करा सकते हो आप या तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अप्लाई कर दो या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अप्लाई कर दो वापस से रिपीटेशन हुई हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस ऑब्जर्वर के लिए होगा जो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से है इसी का मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेशन उस ऑब्जर्वर के पास है थैंक यू वेरी मच